ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। अपने शरीर का लोहा मनवाते ये बॉडी बिल्डर मिस्टर दिल्ली 2018 मैन वुमेन कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी हैं, और इन्हीं में से कुछ वो भी हैं जिन्हें उनकी मेहनत ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान दिलवाया है। दिल्ली के शास्त्री नगर में हो रहे इस कंपटीशन को दिल्ली की बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के साथ ओलंपिया जिम ने आयोजित करवाया, जिसमें दिल्ली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के ट्रेजरार संदीप दहिया का अहम योगदान था। इस बॉडीबिल्डिंग कंपटीशन में मिस्टर वर्ल्ड राम निवास, WWE चैंपियंस और साथ ही सिंगर अशोक मस्ती के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोना शर्मा ने भी शिरकत की। सभी अतिथियों का स्वागत संदीप दहिया एवं एसोसिएशन के गणमान्य लोगों ने मिलकर किया। इस बॉडीबिल्डिंग कंपटीशन में पुरुषों की तो अलग अलग कैटेगरी थी ही, साथ ही इसमें महिलाओं के लिए भी ओपन कैटेगरी रखी गई थी, जिसमें महिलाओं ने भी अपनी सॉलिड बॉडी से प्रांगण में मौजूद लोगों को चौंका दिया। वहीं इस मौके पर पहुंचे बॉडी बिल्डिंग से जुड़े कुछ प्रमुख लोगों से दिल्ली दर्पण टीवी ने इस कंपटीशन को लेकर बात की। ये दिल्ली स्टेट में ये बहुत बड़े लेवल का कंपटीशन है, जिसका आयोजन इन्होंने मिस्टर संदीप दहिया, मिस्टर ज्ञान सिंह, मिस्टर सुरेंद्र शर्मा जो कि प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं दिल्ली स्टेट के, बहुत बड़े और बहुत अच्छे लेवल पे किया है। काफ़ी अच्छा कैश प्राइज है, एंड मेरा ये कहना है कि ऐसे आयोजन दिल्ली में होने बहुत ज़रूरी है। ऐसी चैंपियनशिप्स बच्चों को आगे लाने के लिए, बच्चों को एक जिम्मेदारी देने के लिए बॉडी बिल्डिंग की बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, ये जो प्रोग्राम है इससे कम से कम बच्चों का जो करेक्टर वगैरह सही रहता है और बच्चे अपनी बुरी आदतों से बचे रहते हैं और स्वस्थ होता है तो दिमाग भी स्वस्थ ही होता है। फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2018 मिस्टर दिल्ली युवाओं के लिए बहुत मौका है आगे बढ़ने का। युवाओं में बॉडी बिल्डिंग को लेकर बहुत क्रेज है और भारत की लड़कियां भी इस हर खेल में, हर उसमें आगे है। आप देख सकते हो, क्या वो साक्षी मलिक हो जिसने कुश्ती में मेडल लिया, क्या सायना नेहवाल हो या पीवी सिंधु हो या गीता फोगाट हो, भारत की बेटियां भी हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर रही है। और बॉडी बिल्डिंग में भी लड़कियां भी बहुत आगे आ रही हैं, और मैं ये बताना हर समझता हूं कि भाई ऐसे खेलों का आयोजन हमेशा होता रहना चाहिए। ओलंपिया जिम की तरफ से आयोजित इस कंपटीशन में पहले स्थान को 10,000 रुपए, दूसरे स्थान को 5,100 और तीसरे को 3,100 रुपए का इनाम दिया गया। साथ ही ऑल ओवर विनर को 51,000 रुपए का इनाम आयोजकों की ओर से दिया गया। रंगारंग कार्यक्रम के साथ भारी भीड़ के बीच में अपने आप को प्रस्तुत कर पहला खिताब पाने वाले कई खिलाड़ियों से दिल्ली दर्पण टीवी ने बातचीत की। कैसा लग रहा जीतने के बाद? जब मैं पांच बार हारा था शुरुआत तब हुई थी, तब मैंने सोचा कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद धीरे 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 हमारे भैया पवन शर्मा नाम है उनका, उन्होंने मुझे बहुत हौसला अफजाई किया, उसके बाद मैं आज यहाँ पे हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे गेम में चलती है, जैसे 55 से लेके 100 प्लस तक कैटेगरियाँ होती है, और जिस जो बच्चा अपने वेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है उनको फिर जैसे मान लो स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक जाते हैं, उनको उस नेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का पता चलता है, तो उस हिसाब से बच्चा फिर मेहनत प्रिपेयर करके आगे नेशनल या इंटरनेशनल जाता है। सर, मैं 6th क्लास में था तो मैंने फर्स्ट टाइम बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन देखा था, तो मुझे देखे कि मुझे भी एक दिन ऐसा बनना है। तो आज मैं 25 साल का हूँ, तो आज मुझे मतलब बड़ी खुशी है, मैं 5 बार दिल्ली बन चुका हूँ। 5 बार मिस्टर दिल्ली बन चुके हैं, तो 5 5 पर भी हाथ भी उठाया था। तो 5 बार ये मिस्टर दिल्ली रह चुके हैं अंकुर जी, और इस लाइन में बॉडी बिल्डिंग कम्पीट करते हुए अभी लास्ट ईयर ही मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एशिया में, वेयर 28 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एंड आई वॉन गोल्ड मेडल देयर फॉर माई कंट्री इन 65 किलोज, एंड देन आई पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड चैंपियनशिप वेयर आई बैग्ड silver medal where 42 countries participated there, which was in Mongolia, and now again I'm
वहीं इस कंपटीशन में आई महिलाओं से भी दिल्ली दर्पण टीवी के संवाददाता ने जाना कि आखिर कितने प्रयासों के बाद उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। I am a doctor by profession, so हर दिन I give at least 3-4 hours to the gym, 6 days a week, और more than I've been competing for more than a year, and I've already won 7 titles, so let's see what happens this time. मुश्किल तो बहुत होता है, डाइट कंट्रोल, ऊपर से फैमिली, आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई हैव टू स्कूल गोइंग किड्स, तो इस वजह से शेड्यूल, बच्चों को, घर को देखना पड़ता है। दिस इज माय फर्स्ट कंपटीशन ऑन द स्टेज, बिग स्टेज। अच्छा फील कर रही हूँ, फुल कॉन्फिडेंट हूँ और बहुत मुश्किल से पहुँची हूँ। पहला कॉम्पिटिशन है, अब तक कोई कॉम्पिटिशन नहीं किया और बड़ी हिम्मत जुटाई है और इंशाल्लाह देखते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, सपोर्ट तो है ही मेरा फैमिली का मेरे साथ, प्लस हमारी डाइट की लॉयल्टी, हम कितना लॉयल हैं अपने शेड्यूल के प्रति, वो डिपेंड करता है स्पेशली इस फील्ड में रहने के लिए। संदीप दहिया के संरक्षण में हुए इस कंपटीशन में राजनीतिक क्षेत्र से भी लोग पहुंचे, जिनका एसोसिएशन की तरफ से स्वागत भी किया गया। वहीं निगम पार्षद योगेश वर्मा ने इस कंपटीशन को बच्चों के आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी बताया। देखिए, ये जो प्रोग्राम होते हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ये देश के लिए भी अच्छे हैं। जब बच्चा जागरूक होता है तो वो अपनी बॉडी के प्रति जब जागरूक होता है तो अपने खान पान के प्रति भी जागरूक होता है। अक्सर देखने में आता है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर टीवी पर या मोबाइल पर लगी हुई है, वो अपने हेल्थ के प्रति इतनी जागरूक नहीं है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो अवेयरनेस लाते हैं, ये बहुत अच्छे कार्यक्रम है। मैं चाहता हूँ जो आयोजकों ने जो कार्यक्रम किया है, इसको और अच्छा, इसका प्रचार प्रसार हो और बॉडी के प्रति लोग जागरूक हो, तो अच्छी अच्छा निर्णय है। कार्यक्रम में पहुंचे मिस्टर वर्ल्ड राम निवास ने भी इस कार्यक्रम को आने वाले बॉडी बिल्डर्स के लिए प्रेरणीय बताया। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे गायक अशोक मस्ती और बॉलीवुड अदाकारा सोना शर्मा ने भी आयोजकों की इस पहल को सराहनीय कदम बताया। आप जितना फिटनेस को लेके जाओगे, बच्चे पहले क्या करते हैं, फिटनेस करते हैं, फिटनेस के साथ साथ फिर अपना गेम में जाने की वो करते हैं। मैं उनको सबको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी सेहत को अच्छा रखें, जिम वगैरह जाएं, ग्राउंड जाएं, कहीं भी जाएं आप, लेकिन अपनी सेहत को आप अच्छा रखें। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चैम्पियनशिप होती है तो वो आने वाली नस्लों के लिए एक रिमार्केबल स्टेप होता है। मेरा मेन मोटिव तो यही है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफी सारी अपॉर्चुनिटी वी गेट, ये बच्चे भी ऑफ कोर्स बॉलीवुड तक पहचान बनाएंगे अपनी इस स्टेज के द्वारा। फिलहाल दिल्ली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के ट्रेजरर संदीप दहिया के संरक्षण में ओलंपिया जिम द्वारा आयोजित हुए मिस्टर दिल्ली 2018 मैन व्यूमेन कॉम्पिटिशन ने कई ऐसे लोगों की मेहनत को पहचान दी जो आगे बढ़कर भारत के लिए खेलना चाहते हैं और अपनी मातृभूमि का नाम रोशन करना चाहते हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ अंशुल त्यागी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर